आज वो आजादी चंद मुट्ठी भर आदमी के हाथ में हो, चंद मुट्ठी भर आदमी आज अगर नहीं लड़ ला तो इन फ्यूचर बहुत नुकसान में तो पढ़े वाला एक भी गिदर ऐसा नहीं लगे, सब पढ़े वाला स्टूडेंट है सब तोलन कर। हेलो रीजन क्या गए कि आज सरकार जे मंशा के साथ अल कहीं ना कहीं अपन एक भी वादा पूरा नहीं कर। झारखंड एकमात्र स्टेट, झारखंड एकमात्र स्टेट हो जकर कोई परिभाषा ना हो, जकर कुछ भी परिभाषा ना हो कि झारखंड ककर लगो, जे तंबू गाड़ लो हो झारखंडी भाई गेलो, जे सदियों से खतियानधारी है से हो झारखंडी लगो। तो आज लड़ाई के लड़े हैं भाई सनाइडर, यहाँ 88 साल बाद हमनी के झारखंड मिलल है, भय नहीं करिए चाहे सामने जे परिणाम देते, एक पैसा डरे की आवश्यकता ना है। हम पूर्वज चाहे निर्मल बाबू रहे चाहे सिद्धू कानू रहे, हमने छात्र लिखाई टॉप के बॉम के विषय सीने में कर लिए और हमने कोई गलत मांगे ना लिए, हमने हर एक चीज संवैधानिक है। भारत एक संवैधानिक देश लगे ना तो संविधान एक्ट कर रहा है, एक देश एक वोटर आईडी। तो बात है कि रांची में जितना गैर वोटर आईडी है जगह दो दो वोटर आईडी है, पहले अपने रिजेक्ट कर और अपने यहाँ वोट दिए बंद कर। भारतीय संविधान अनुसूची 9 में हमने सीएनटी के 8 गो की 9 गो अध्याय सेक्शन है, ओकर में स्पष्ट है कि एक ST SC OBC के जमीन ओकरे वर्ग के लोग किने पाते। तो बताओ रांची के आदिवासी के जमीन गैर आदिवासी कैसे किन ले? तो गलत तो अखनी है ना, गलत तो पर सरकार है, सरकार के जो अधिकारी है चाहे IAS रहो चाहे IPS रहो, गलत तो अखनी है। हमने कहा गलत है, हमने कहा गलत है भाई, हमने तो हर बात संवैधानिक कर लिया। बगल में HEC है 1938 में बनल है ना, HEC 1938 के आसपास बनल है, तो अगर सर्वे होना चाहे जन लोग गिला के जमीन गिला अखनी कहाँ है और अखनी के कितना नियोजन मिल रहे, सर्वे होना चाहिए ना। अरे भाई आखिर कब तक हमार माटी और हमें पलायन हमें विस्थापन आखिर कब तक है भाई? आज सर्वे होना चाहिए, नया झारखंड नए सिरे से बात करता है, नया झारखंड लगा अब इन नए सिरे से बात करता है। नया झारखंड तबे बनता है जब एक एक पहलू में झारखंडी के हक अधिकार रहते हैं। आज बहुत दुख के बात है कि आज हमने जितना भी सरकार बन ले यहाँ के खनिज संपदा के हमेशा लूटे के काम कर ले। आज जितना सरकार बन ले पूर्ववर्ती सरकार रो वर्तमान सरकार रो, आज ना 20 साल बाद जब अखनी संपत्ति के जांच होते कह के अभी अखनी सत्ता में हो, ये बात तो माने है तो अखनी अभी सत्ता में हो अभी कुछ जांच ना हो तो जन दिन अखनी सत्ता से बेदखल हो तो और जखन जांच हो तो सब के इतना संपत्ति मिलतो कि हमने कर ले के जिला बता सकल है। तो सही खतरा ही लड़ना हो, आज ना लड़ में तोर माटी रहतो और एक दिन तोरा ही गुलाम बना ले, जब तो समय सकल है कि आज हमने के माने ऐसा बर्ताव हो रहा हो सरकार और प्रशासन के माध्यम से जैसे कोई हमने अपराधी लगे, कोई पेशेवर अपराधी लगे, अपन हक के बात राय नहीं सकल है। जबकि भारत एक संवैधानिक देश लगा है, अनुच्छेद 19 में स्पष्ट लिखल है, अनुच्छेद 19 में स्पष्ट लिखल है अपन बात के रखे के अधिकार, सभा करे के अधिकार, संगठन बनवे के अधिकार, प्रचार प्रसार करे के अधिकार। तो फिर हमने तो अपन सिर्फ बात रखे आए लिए सरकार से शांतिपूर्ण वार्ता करे आए लिए, एकर में अपना ताम झाम काहे होना चाहिए। आज झारखंड 21 साल बाद भी अपन हक अधिकार से वंचित है, कारण हमने के उदासीनता हमने एकजुटता से लड़ नहीं पा रहे, हमने हमेशा भय कर ले, आज वो भय का त्यागे है तो आज उस भय के त्यागे की आवश्यकता हो तब जाके नया झारखंड निर्माण सपना हमने साकार है। तो आज कहीं जो आज हमने के राज्य के लोग बाहर रहा है अखनी जब हुआ के कहानी सुने तो बड़ा दुख लगता, यहाँ के लड़का जो गुजरात में रहो जो महाराष्ट्र में रहो अखनी जब हुआ एक परिचय देख कि हमने झारखंड के लगे हो तो अखनी ऊपर हंसे लो कि यार तू तो झारखंड के लगे 40% खनिज तो हिंदुस्तान के दे और तो मजदूरी कर रहे हैं यहाँ।
से एक बात बताओ, जब हमार 12 लाख कोरोना पीरियड में बताइले कि हमने 12 लाख मजदूर बाहर से अल, एक बात बताओ हिया कौन लोग गए कमाई के खा रहा है? पहला हक अधिकार हमनिक होना चाहिए ना। देख आज अगर खतियान के आधारित जो 1932 के खतियान के बात है वो ईटा अगर तय ना भेलो तो देख अगर मैं नुकसान की है तो एक में नुकसान अभी तो नहीं देख सकल है। रसिया और यूक्रेन के मामला सामने आया तो सभी सुना लगे रसिया और यूक्रेन। एक बात बताओ, रसिया आज दुनिया के महाशक्ति लगे लेकिन फिर भी वो यूक्रेन से डर रहा है। रसिया आज दुनिया के महाशक्ति लगे लेकिन फिर भी वो यूक्रेन से डर रहा है कि यदि यूक्रेन नाटो के सदस्य बन जाता है तो एक दिन वो रसिया के सीमा के छूता है, रसिया के सीमा में घुसपैठ कर सकल है। तो हमने झारखंडी तो बहुत भोला भाला लोग लगे, हमने झारखंडी तो बहुत भोला भाला लग लगे जब रसिया जैसे पावरफुल कंट्री आज यूक्रेन के नाटो के सदस्य बनाना दे है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की ईटा कह के कि तो एकाएर तौर से दिक्कत ना हो लेकिन तो यदि नाटो के सदस्य बन जाए तो तौर सीमा के साथ साथ नाटो के सीमा रसिया के सीमा के छू जीते। जब रसिया के सीमा के छू जीते तो निसंदेह की रहता है एक दिन जमीन विवाद जरूर है। तो सही नहीं यार, आज हर तरह से देख झारखंडी के पहचान न हवे के कारण आज हर तरह से हमने ऊपर जुलूम भर रहा, लगातार अतिक्रमण भर रहा, लगातार सीएनटी कानून के उल्लंघन भर रहा और मैंने ऐसा ही बर्ताव आज भर रहा कि लगतो कि आज भी झारखंड गुलाम हो। आज सब पढ़े वाला स्टूडेंट है तो उन्हीं के साजिश समझे तो ताकि इन लड़ाई की एगो एग्जाम से स्टार्ट भर इन लड़ाई की जेएससी के पेपर में जब बाहरी भाषा के यहाँ स्थापित करे प्रयास भले तखन इन लड़ाई की स्टार्ट भर यानी मूवमेंट स्टूडेंट से स्टार्ट भले तो थोड़ा समझे तो आज मोटा मोटी मान के चल हमनी वैकेंसी भी भर है। बात से हमेशा रिपीट करे रहियो जब भी तुम वैकेंसी भर में तोरा लिखतो कि क्या आप झारखंड के नागरिक हैं कभी हाँ तो तोरा अपन आवासीय मांगतो तो ना कभी भी फॉर्म भी भरा जितो। बहुत ही तकनीकल एक एक पॉइंट के साथ हमने के साथ छेड़छाड़ हो रहा यही ना है। 2016 में जो टीचर के बहाली आलो सबके याद है तो ओकर में 37 गो केमिस्ट्री के वैकेंसी आला 36 गो बाहर के राज्य के लोग एगो झारखंडी भे बात 2016 याद हो ना टीचर के बहाली 37 गो केमिस्ट्री में 37 गो वैकेंसी हलो 36 गो बाहर के राज्य के हलो एगो झारखंड के हलो। संस्कृत में शायद 57 गो है ना 51 गो बाहर के राज्य के 6 गो झारखंड के। तो इतना अन्याय तो दुनिया में कहीं ना है, इतना अन्याय कोई राज्य में है कि यहाँ के हक अधिकार। दूसरा बात, हमने कभी एसपीडीसी के ऑफिस देके विरोध कर ली कि एसपी सर आप झारखंड के नहीं है, डीसी महोदय आप झारखंड के नहीं, आप चले जाइए, कर ली की ना कर ली। हमने एसपीडीसी का विरोध कभी नहीं किया है क्योंकि वो संवैधानिक रास्ता है, यूपीएससी कैडर है। अब भैया आप फर्जी सर्टिफिकेट बना के हवलदार चपरासी दरोगा क्लर्क मास्टर बनिएगा उसका तो विरोध करवे करेंगे ना। आपको आप में काबिलियत है तो आप आगे से आइए ना, आप में काबिलियत है आप आगे से आइए, आप एसपी बन के आइए, आप डीसी बन के आइए, आप जेआरएफ बन के, कोई एचओडी बन के आइए, डीन प्रिंसिपल बन के आइए, प्रोफेसर बन के आइए। ये बारी दिखे घर ना देखे ना यार, तुम अब ये बारी दिखे चोर गोरु नियर दवाल डेंगे ना डुके तो वो यानी फर्जी सर्टिफिकेट बना के जाए हैं उगला के तो रोकते करो चाहे परिणाम जय बताए जाहे परिणाम जय बताए। अरे काफी डर रे, काफी डर है, बंदूक है हाथे की रे, मारे दिन हम तो कहे मत दम दबा के मार दी, पाला सीना मेरा होगा। अरे के बाचे नहीं आए यार, एक बात बताओ नहीं बाचे ले क्या आए के बाचे ले कौन भी माचे ले रही से डर के जो भाई अपन हक अधिकार मांगा लिखो चोरी नहीं कह लिए डकैती करना है लिए कौन ये बाचे ले रे। हाँ अपन हक अधिकार मांगे लिए, अरे दुनिया में जिया लेना सब एक दिन मरते मरता है ना। इस सूरज की देखा ली उगाले सिटी, सूरज का क्षेत्रफल कितना है 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर, इतना जीरो है कि आपका दिमाग में नहीं अटेगा, इतना बड़ा सूरज है 57 अरब साल भाई गल है इस सूरज एक दिन मरते 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैलल सूरज मरता है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैला हुआ धरती मिट जाता है, अरे 5,95,000 वर्ग किलोमीटर में फैलल हिमालय के पहाड़ खत्म हो जाता है, 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर में प्रशांत जो महासागर अगर पानी से गिर रहे तो हमें अर्थ क्या लगे, हमें अर्थ क्या लगे रही
क्या लगे नहीं नहीं तुम्हें डर लगो कि प्रशासन गोली मारते है तो गोली मार वादे हो 20 साल बाद मरते है चाहे 40 साल बाद हो मरते है। अगर ये गरीब या स्टूडेंट पढ़ा वाला के लिए गोली मारते ना तो जो गोली मारते ना हाथ काटता है उगला पका लग के मरता है। स्टूडेंट अपन हक मांगे खातिर आए हैं यदि सरकार के मद्देनजर अगर सरकार के दबाव में पर्सन गोली मार लेना अरे हम ही मर पाए और 20 साल बाद अखनी हाथे पोका लगते अखनी मर पाए अखनी अमृत पी के ना आए है अखनी अमृत पी के अमृत कथी गई कहानी लगाई अगला किताब एक कहानी लगाई अखनियो मरते आज हमने के मरते 20 बच्चर बाद अखनियो मरते हक अधिकार मांगे आए हैं ककरो चोरी करने आए हैं जे चोरी करे ला ओकरा डर चाहिए जे चोरी करे आए हैं जे लूटे आए हैं ओकरा डर हमें अपन हमार झारखंड लगाए हमार पुरखा में गोली खाए है तब झारखंड है। अरे इतना ही दम है ना इतना ही अगर कानून में प्रशासन में सरकार में दम है तो रोक ना कोला चोरी है रोक ना रोक कोला चोरी कितना बड़ा दम है देखो लाखों टन के कोयला ना का सबूत चाहे बोलना काले को पुलिया में सबूत दे लिया एसपीडीसी सबके मुंह चुप हो गए कपूरिया बाटे से केवाल है ना रे कपूरिया बाटे से केवाल है ना बांध दी मोहदा कपूरिया से केवाल है ना काले जनता में कोयला चोरी पकड़ ले तो दम है अगर सरकार के प्रशासन के तो हवा बलंगी देखाओ या कमजोर स्टूडेंट के बलंगी देखने हैं ये बैरिकेटिंग लगा है और बिल्कुल कहियो जकरा खोए सो एकदम यहाँ खड़ा हो जाएंगे जितना बंदूक लेके आया एकदम उपतक नहीं करेंगे मार गोली एकदम नहीं उपतक नहीं करेंगे निशाना बना के कपार में निशाना बनाए कपार में निशाना बनाइए छाती में निशाना बना ले छाती में निशाना बनाइए गोली से डराते हैं। रोकिए ना जाइए अपराधी सबको रोकिए अपराधी को रोकिए जो आज मेरा झरिया और बागमारा को लोलुहान कर दिया है स्टूडेंट को जो पाघा बांध रहा है स्टूडेंट को घेराबंदी किया जा रहा है स्टूडेंट को जो घेराबंदी कर रहा है रोकिए। कहते हैं ना कानून का हाथ लंबा है अरे लोग कहते हैं ना भाई कि कानून के हाथ लंबे हैं हम आपका धन्यवाद देंगे कानून वालों का आप रोकिए कोयला चोरी रोकिए आप बाले चौक की चोरी रोकिए आप पारासा के पहाड़ में जो पत्थर चोरी है उसको रोकिए कानून के हाथ लंबे हैं स्टूडेंट को रोक रहे हैं। अरे क्या कीजिएगा ये भाई ज्यादा से ज्यादा वो गलत एफआईआर कीजिएगा 107 डालिएगा अरे डाल दीजिए ना जेल में डालना है जहां नरक में डालना है आग में डालना है रोड में ठोकवा दीजिए मार दीजिए आप डरने वाला नहीं है झारखंडी झारखंडी बहुत डरा बहुत दबा बहुत समझा आज पिताए गए झारखंडी आज झारखंडी पिताए गए हो आज झारखंडी बिसाए गए हो आज नहीं मानतो हम कानून का भी सम्मान करते हैं प्रशासन का हम तो हमेशा कहलिए कि लड़ाई संवैधानिक लगो हम तो बार बार कहते रहिए कि भारतीय संविधान हमारा पता नहीं कि यहाँ को मंत्री पढ़ल की देखने के पते में अनुच्छेद 22 में है लिखल भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 में है कि अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंटिव एक्ट तहत एगो तो प्रिवेंटिव डिटेंटिव एक्ट ओकर तहत तो ककरो बिना एफआईआर के बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकल लेकिन वो लखवा कैसे नहीं चाहे उठा अपराधी भी चाहे बड़ा जयराम महतो गिरफ्तार करे स्टूडेंट के हम और फोन ट्रेस करो हमने भी पढ़ा है प्रिवेंटिव डिटेंटिव एक्ट हमने पढ़ा है उसको हिंदी में कहते हैं निवारक निवारक दंडात्मक विरोध और निवारक विरोध हमने भी पढ़ा भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 में स्पष्ट उल्लेख है लेकिन वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए वह कोई अपराधी होना चाहिए उसका छवि खराब होना चाहिए अरे हम तो पीएचडी के छात्र हमको बैरिकेटिंग लगा के रोक रहे हैं। आज भारत देश पूरी तरह से आज भारत देश पूरी तरह से 10% लोग के हाथ में हो आज 10% लोग के हाथ में हो अखनी के जैसन बुझे तो चले तो जैसन बुझे तो कर तो कोई मर चाहे बाँच कहल गए आज कहल गए कि जो कंपनी रहे ना व्यापारी के जाति धर्म ना रहे ओकरा मुनाफा से मतलब रहे ओकरा केवल और केवल मुनाफा से मतलब है यकीन ना है तो तोड़ी सोम के थाना हो बगल में कोई भी अधिकारी हो तो ओकर ऑफिस ही है जो कोयला चोरो हो तो ना है कि पंखा के हवा में बचतो और गांव के किसान तो जगह थर थर कर तो कही हुजूर कहे बुलाए हैं।
अरे भाई करता। और हमको सबसे खराब कब लगता पता है? जब यहाँ के आईएएस आईपीएस गलत गुनहगारों का साथ देते। अरे मंत्री तो चोर है, वो पांचवा भी नहीं पढ़ा है। आप आईएएस आईपीएस हैं, आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, आप भारत की सर्वोच्च इम्तिहान को पास किए हैं और आपकी संपत्ति बढ़ रही है, तब तो शक करना पड़ेगा। अरे इटा हमें थोड़ी कहा हो, इटा हमें कब कहा लियो? ये तो एक दिन पेपर छापा लो, पेपर वाला कही है तो पेपर वाला में लिखा लो कि सबसे ज्यादा संपत्ति झारखंड का आईपीएस का बढ़ा है। सबसे ज्यादा संपत्ति झारखंड का आईपीएस का बढ़ा है। कैसे बढ़ा है भाई, कैसे बढ़ा है? कोयला, कहीं ना कहीं कोयलवा के असर है, कहीं ना कहीं कोयलवा के असर है। हम नहीं बोल रहे भाई, हम तो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, मेरा उतना दम नहीं है कि आपको बोलेंगे। आपके हाथ में बंदूक है, लाठी है, कानून है, कितना कितना कानून आप लोग जानते हैं। ये पेपर बोल रहा है कि सबसे ज्यादा संपत्ति झारखंड का आईपीएस का बड़ा है। और यही नहीं, रघुवर सरकार के टाइम में एक रुपया में वो रजिस्ट्री लिया गया कि कोई अपने बहू के नाम पे, बेटी के नाम में, मतलब महिला के नाम में एक रुपया में रजिस्ट्री होगा। अब रजिस्ट्री गरीब किसान नहीं किया, सब डीसी लोग किया और सब सेक्रेटरी कहा देवघर में जाके, बाबा धाम में जाके सब आईएएस रैंक के आदमी लोग अपना बीबी के नाम से एक रुपया में रजिस्ट्री किया है, जिसका पेमेंट लाखों और बीबी का सहारा ले रहा है, एक रुपया में रजिस्ट्री कर रहा है। हाय रे हमार सोना झारखंड, हाय रे हमार सोना झारखंड, हीरा झारखंड, सबके नजर लुटे खातिर आवा लुटिए लहक, जितना इच्छा हो लुटिए लहक। कहे कि 10 बच्चर 20 बच्चर बाद ऐसे भी कोयला सुराय जीते, कोयलवा लुटिए लहक, दो चार गो जंगल में सखवा के लकड़ी बाँचल ऑटो काटिए लहक। कुछ दिन पेपर में हटो डाल है ना, अरे पेपर में कुछ दिन हटो डाल है कि कोई एगो पहाड़ है जकर में प्रत्येक दिन 100 गो सखवा के पेड़ काटल जाए। कहा लगो बागमारो लगो, हाय रे सखवा की काटो पता हो, कि सखवा झारखंड के कल्चर लगो। और सखवा के बारे में कहा गया कि सखवा पेड़ 100 साल गड़ा, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, सुना है ना? 100 साल खड़ा मने 100 साल आई हो सखवा के पेड़ के, 100 साल गड़ा मने बुझाए अगर यदि पानी भीतर भी रहते है ना तो 100 साल। हमने जो अभी चढ़ा पूजा भेतो ना उड़ा सखवा काट रहे, तो 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल गड़ा, तो सही खातिर सखवा के पेड़ अखनी चुराए रह लो, तो जाहिर सी बात हो सब अधिकारी आओ। कहां से सुनतो रे भाई, कहां से सुनतो? हर घर से निर्मल, हर घर से भगत सिंह, हर घर से बिरसा निकले हैं। तो आज मत डर यहां साथी, भगत सिंह के माना है ना 64 दिन भूख हड़ताल कर ले, 64 दिन तोड़ी, आज एक दिन आए कल का बना रे, बड़ी जोर भूख लग गई, 6 घंटा वेट करे लोग है सकल। अभी अगर सरकार की कोई विधायक फोन कर लो तो प्रशासन लाठीचार्ज भी कर सकल हो, हिम्मत में आ रही है। एखनी के जे इच्छा कर दी, एखनी के जे इच्छा करता है, हमने हाथ में भारत के संविधान।